प्रदेश मिर्जापुर के लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनकट साधु राम गौड़ स्वर्गीय श्री राम मौर्य इंटर कॉलेज में एससी वेस के संस्थापक धर्मगुरु अशोकानंद जी से जानकारी प्राप्त हुआ है कि यह आंदोलन राष्ट्रहित, जनहित एवं समाज हित में है। आपको बताते चले कि बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत हमारे देश में, प्रदेश में और जनपद में भूमिहीनों को, गरीबों को, आदिवासी पिछड़े समाज से आते हैं, उनको कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को आवंटित किया जाए ताकि एक बीघे में बाग बगीचा लगवा सके जिससे पर्यावरण शुद्ध एवं संरक्षण हो सके और 4 बीघे में खेती बाड़ी करके अपने बच्चे का लालन पोषण कर सकें। आपको बता दें कि यह मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है, गरीब को मुहैया कराया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रमेश कुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। हाँ गुरु जी, आपका शुभ नाम? मैं धर्मगुरु अशोकानंद और राष्ट्रीय संयोजक आइस बेस एवं समयक मूल मोर्चा। जी जी, तो ये जो मीटिंग चला, जो मीटिंग रखा गया है आपका, ये बैठक चल रहा है, ये किस स्थान पर है? आज की यह विचार गोष्ठी आइस बेस सामाजिक संगठन की मासिक बैठक हुई है जो कि लालगंज इस स्कूल पर, डॉक्टर अरुण मौर्य जी के स्कूल पर आयोजित की गई है। विचार गोष्ठी हुआ है और विचार गोष्ठी में हम लोगों ने सम्यक मूल मोर्चा के तत्वाधान में जो बैकवर्ड जन आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन के ऊपर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और ये आंदोलन राष्ट्रहित में, जनहित में, समाज हित में है, इसलिए सबकी राय बनी है कि यह आंदोलन किया जाना चाहिए और सरकार से आम जनता के हित में मांग रखी जानी चाहिए। किस प्रकार मांग है आपका? हमारी बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत मुख्य मांग है कि जो हमारे देश में, प्रदेश में, जनपद में आदिवासी हैं। गुरु जी, बैकवर्ड में कितने, यानी जो बहुत से जाति हैं, लेकिन बैकवर्ड में कितने जाति आते हैं? बैकवर्ड में हजारों जातियां हैं। जी जी जी। ओबीसी में हजारों जातियां हैं। एससी एसटी में भी हजारों जातियां हैं। नहीं, चलिए सर, ठीक है, अपनी मांग पर आइए सर। जो बोला तो हमारी प्रमुख मांग है कि भूमिहीनों को, गरीबों को, जो आदिवासी दलित पिछड़े समाज से आते हैं, इन्हें कम से कम 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को आवंटित किया जाए, उसमें एक बीघे पर बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके, मानसून का निर्माण हो, और दूसरी उसमें प्रावधान है कि 4 बीघे पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपना गुजर बसर कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, जो ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, कितने सालों से आंदोलन छिड़ा हुआ है? ये 2018 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2019 में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, 2020 में भी ज्ञापन दिया है। अच्छा गुरु जी, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में तो जो धरना प्रदर्शन होते हैं सब तो बंद होगा कि चालू है इस समय? हाँ, लॉकडाउन की जो सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, इस पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन किस तरह से लगाया गया है, किसके लिए लगाया गया है और किसके लिए नहीं लगाया गया है, क्योंकि पूरे देशवासियों ने देखा है कि जून में, जुलाई अगस्त में, 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसमें हजारों हजारों लोगों ने भाग लिया, नारा लगाया, लेकिन उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रशासन और शासन ने नहीं किया है। लेकिन दूसरी जगह बाजार में, स्कूलों में तथा गाड़ियों में यदि 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं तो उस पर पुलिस डंडा बरसाती है, चौक चौराहे पे बहुत से लोगों को पुलिस ने पिटाई किया है कि तुम लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हो, बाजार में क्यों आए हो, तो क्यों सब्जी खरीद रहे हो। इस तरह का ये दो तरह की नीति इस देश में लागू है, निरीह जनता पर पुलिस कार्रवाई हो रही है, लेकिन उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया, सड़क पे रथ को खींचा, उस पर कोई कार्रवाई और प्रतिबंध नहीं हुआ। अयोध्या में
हजारों हजारों लोगों ने भाग लिया 5 अगस्त को शिलान्यास समारोह में, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शिरकत किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो यह लॉकडाउन में यदि गरीब जनता भूमिहीन अपने रोजी रोटी की मांग करने के लिए तहसील और DM ऑफिस पर जाते हैं अपना ज्ञापन देने के लिए, मांग रखने के लिए, तो इसमें अनुचित क्या है? इसमें मैं समझता हूं कि अनुचित नहीं है। जी जी, सरकार जी। की नीति सबके लिए एक समान होनी चाहिए। जी, 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 जी।